देखो यार, इस 6 सितंबर को जो है जियो सिनेमा के ऊपर एक नई इंडियन क्राइम थ्रिलर, आई वुड से सस्पेंस ड्रामा टाइप की मूवी आने वाली है, जिसका नाम होने वाला है विस्फोट, जो कि कल ही अनाउंस हुई है और आज उसका जो ट्रेलर है हमारे सामने निकल के आ चुका है। कैसा ये ट्रेलर है, किस बारे में ये मूवी है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, इस मूवी की स्टोरी पे जाने से पहले आप लोगों को बता दो कि इसकी जो कास्टिंग होने वाली है, इसको मेन लीड करने वाले हैं यहाँ पे रितेश देशमुख, साथ में आपको देखने को मिलने वाला है फरदीन खान, और इसके साथ में यहाँ पे आपको जो है प्रिया बापट और साथ में आपको शिवा चड्डा भी देखने को मिलने वाली है। बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो इसकी स्टोरी जो है बेसिकली आपके सामने दो करेक्टर्स की कहानी को रखने वाली है, जिसमें से एक जो है वो एक पायलट है प्लेड बाय रितेश देशमुख, और दूसरा करेक्टर जो यहाँ फरदीन खान प्ले कर रहे हैं वो एक तरीके से गुंडा है, जिसने अब जो है वो जो गुंडाई होती है उसको छोड़ दिया है, और किस तरीके से एक छोटे से इंसिडेंट के बाद जो है उनकी स्टोरीज आपस में लिंक्ड हो जाती है, जिसके अंदर चीटिंग, किडनैपिंग, क्राइम, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर, सबका आइडिया जो है वो आपको इसके ट्रेलर को देख के लग जाता है। और अगर आप बात करो कि मुझे पर्सनली ट्रेलर किस तरीके का लगा, आई वुड से कि हाँ, इसकी स्टोरी के अंदर इतना पोटेंशियल देखने में लग रहा है कि डेफिनेटली ये ऑडियंस को एक्साइट कर सकती है। लेकिन प्रमोशन के लिए इतना टाइम बाकी ही नहीं है कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनो, और अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है तो इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। इसको प्रमोट ही इस तरीके से किया गया है कि कल इसका पोस्टर निकल के आया और आज इसका ट्रेलर आ गया, और ये 6 तारीख को आने वाली है। तो मुझे नहीं पता किस तरीके से ये लोग प्रमोशन करने वाले हैं, लेकिन मूवी के अंदर, स्टोरी के अंदर, ट्रेलर वाइज जो समझ में आ रहा है, डेफिनेटली पोटेंशियल फील होता है। और अगर देखो बात करें कुछ हाइलाइट्स के बारे में, जैसा मैंने आप लोगों से पहले बोला कि इसके अंदर आपको मेन लीड में देखने को मिलने वाले रितेश देशमुख, इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने पिल सीरीज के अंदर एक सीरियस रोल किया है, यहाँ पे उनका कुछ उस तरीके का रोल देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली सीरियसनेस जो है वो उनकी एक्टिंग के अंदर देखने में समझ में आ रही है। साथ में फरदीन खान की कमबैक के बारे दूसरी मूवी होने वाली है, पहली मूवी थी खेल खेल में, वहाँ पे उनकी एक्टिंग को डेफिनेटली अप्रिशिएट किया गया है, यहाँ पे उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और साथ में देखो अगर बात करें जिस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन देखने को मिल रही है, डेफिनेटली जियो सिनेमा ने जो है अपने शोज की, अपने सीरीज की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर काम किया है, डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करना बनता है। तो ओवरऑल देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी मूवी होने वाली है कि ये रिलीज होने तक या उसके बाद भी जो है काफी हद तक चर्चाओं में रहने वाली है, और इसके अंदर आपको वो सारे एलिमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं जो डेफिनेटली एक अच्छी मूवी के अंदर होने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ सस्पेंस, थ्रिल, मिस्ट्री, एंगेजमेंट, ग्रिपिंग, थ्रिलर, सब कुछ आपको मुझे लगता है कि इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे को पर्सनली जो इसका ट्रेलर है वो काफ़ी पसंद आया। आप लोगों ने इसको चेक किया है, नहीं किया है, आपके इसके ऊपर जो भी ओपिनियंस है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक देखा है तो इस वीडियो छोटा सा लाइक करो, और ऐसे और कॉन्टेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर, एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।